हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पीछे के साइड पे एक प्राइमरी स्कूल पड़ता है और निकी लोग जो है उन्हें कुछ चॉकलेट्स और मतलब टॉफी वगैरह बांटने जा रहे हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ से पास आउट हो गए हैं, तो इसलिए तो चलते हैं अभी वहीं पे। ओहो, ये सांप मरा हुआ है यहाँ पे, हमें अभी चलते चलते जो है सांप दिखा। हाँ यार, गाड़ी से मर गया शायद से। निकी लोग आगे चले गए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सनराइज पब्लिक स्कूल पे। चलो चलो, क्लास के अंदर बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? हैं? पढ़ाई नहीं करते हो? बताओ। अभी मस्ती चल रही है उनकी। क्या काम कर रहे हो? द मून। अच्छा, ओके। फ्री टाइम पे कृतिका जो यहाँ पे पढ़ाती थी, तो इसलिए या फिर इनको टॉफीज देने आई है। अच्छा, नई नई बच्चे हैं ये? कौन सी क्लास के तुम लोग? सेकंड। ओके, मैम लोगों का फाइनल हो गया अब यहाँ से, ठीक है? Now in second class. Good morning. कौन सी क्लास में तुम लोग? फोर्थ में। और क्या पढ़ाई कर रहे हो बताओ? आर एटमोस्फेयर साइंस। ओके, ये कृतिका मैम ने तुम्हें पढ़ाया था क्या? है, कृतिका मैम ने पढ़ाया था तुम्हें? अच्छा पढ़ाती है मैम। शानू, कैसा लग रहा है स्कूल में बैठने इतने साल बाद? जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के। स्कूल की यादें जो है ताजा हो गई एकदम। बेंचेस अच्छी है, मतलब कंफर्ट है, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ। शीला भाई, क्या हो गया? मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आई हूँ, तुम्हें नोटबुक्स नहीं करूंगी, ऐसे देख लो। क्या पढ़ रखा ना? अच्छा, इंडियन विलेज। चलो बढ़िया। गुड मॉर्निंग, तुम लोग कौन सी क्लास के हो? थर्ड में हो? अच्छा अच्छा, ये थर्ड थी, वो पीछे सेकंड और कौन सी थी? फोर्थ, फिर सेकंड। फोर और सेकंड ना। चलो, तुमने इनको ही पढ़ाया है? सबको पढ़ाया मैंने। अच्छा, ये मेरे सब्सक्राइबर भी है ना, वीडियो देखते तुम लोग? हैं? अच्छे बनाते हैं, खाली बोल रही है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, खूब पढ़ाई करना ठीक है और आगे बढ़ना। चले, अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पे बैठ के यार, मतलब पूरा नहीं बचपन के क्या क्लास ले लेंगे? हाँ, ले सकते हैं, पढ़ा देने। साइंस की क्लास चल रही है? ठीक है, चलो ठीक है, फिर चलते, अभी हमें कहीं और भी जाना है। बाय बाय। कभी आएंगे तो फिर मिलेंगे फिर, ठीक है? ओके। इसको झूला झूला यहाँ पे है। जब स्कूल में आए तो थोड़ा स्कूल वाली मस्ती हो जाए। आगे चल ना, आगे चल। नहीं, आगे करना है। आज तो तुम लोगों ने नाश्ता भी नहीं करवाया यार, आगे क्या चलूं बता? नाश्ता बाद में करेंगे कॉलेज जाके। ओके।
उतर जा भाई। मैं नहीं चढ़ पा रही यार आगे, मतलब अभी मेरा मन नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं आ रही यार अभी। इस पे छुनेगी, वो टेढ़ा भी हो रखा है। हाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, टूटे ना कहीं, ऐसे झूल लेती हूँ। छिछी चल आ जा, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। तो निकी लोग अभी लेके आए हैं पॉली हाउस पे, निकी लोगों का पॉली हाउस। तू यहीं आती थी क्या निकी? नहीं हर जगह जाते थे। अच्छा हर जगह जाते थे। ये वाला किसका है? ये वाला एरिया यहाँ भी तुम लोग आते थे? ये पूरा हमारा ही ब्लॉक है, हमारा ही है मतलब। बच्चों की एक्सरसाइज बहुत ढंग से हो जाती होगी यहाँ पे, है ना? इतना चढ़ के जाओ, फिर उतराई, फिर चढ़ाई उतराई, मैंने कितना वेट बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। हाँ तभी निकी एक बार पतली हो गई थी। ओहो बहुत अच्छी फीलिंग, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो अभी मैं और निकी जो है ऊपर रूम पे जा रहे हैं, वहां से क्या लेके आना है निकी? बैग, बैग लेके आना है इसका, और कॉलेज भी जाना है उसके बाद ना। तो हम लोग आगे रूम पे, और मैं ये चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसमें गर्म हो रहा है भाई। चलते चलते कुछ पतला सा पहन लेती हूँ। हे भगवान कहाँ गया वो पतला वाला निकी? सो फाइनली मैंने चेंज कर लिया, ये थोड़ा हल्का है, सही है। और इसी में एक ब्लैक में गर्म है, पर वो इतना गर्म भी नहीं है, तो ये ठीक है। अब चलते हैं इसकी कॉलेज के साइड। तो फाइनली आज निकी का सारा काम हो जाएगा, है निकी? यस आज हो चुका, आज हम मस्ती मारेंगे। अपनी मैम लोगों को गिफ्ट्स और स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मिठाई वितरण समारोह, मिठाई वितरण समारोह। मेरा गला गल का वो हो गया, मिष्ठान वितरण समारोह पहुंच गए क्या? पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हम निकी के स्कूल में, सॉरी स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं। निकी तो इतनी जल्दी बड़ी हो गई, लग भी रहा तेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया। निकी अपनी मैम को गिफ्ट देने जा रही है, निकी एंड कृतिका का गिफ्ट। चलो चलो तुम्हारे मोमेंट्स रिकॉर्ड करती हूँ मैं। हेलो मैम, हाय। ओके ओके, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल, गुड लक, बट देयर इज नो नीड टू गिव एनी, दिस इज माय ड्यूटी बेटा, ठीक है? ओके ओके, तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। ओके कैसे? चलो निकी लोगों का फोटो सेशन भी हो गया मैम के साथ। कहाँ जा रही हैं? निकी लोग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी अपने सर के पास गए हैं यहाँ। आज ये निकी का मिठाई समारोह, बहुत महंगा पड़ गया मुझे, इसने सुबह खाना भी नहीं खिलाया मुझे, और इतनी भूख लग रही है, इतने दूर दूर चला रही भैया तू पता नहीं कहाँ आएगी। कॉलेज का तो ऐसे बंटवारे हो रखे हैं यहाँ, कुछ ब्लॉक इधर कुछ उधर। तो बच्चों मैं आप बोल देती हूँ क्योंकि अब मैं रह के जा रही हूँ यहाँ से, जो बच्चे चलने फिरने के लिए खूब हों और जिनको आफत वगैरह ना आए, ऐसे जो मैनेज कर सकते हो फट फट इधर भाग के उधर जाना उधर ये सब करना, काफी जिनका फिजिकल सही हो वो इस कॉलेज में आए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत चलना पड़ता है। और मतलब लगाओ ना, एक यहाँ है फिर ओ उधर आगे जाओ फिर वहाँ है, बहुत खतरनाक सीन है यार। फिर ये है कि मेंटेन भी रहेगा इंसान यहाँ पे, सही बात है। हाँ मेंटेन तो रहेंगे, बट फिर भी जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते इतना फिजिकल, तो उनके लिए तो नहीं है, पर जो कर सकेंगे वो आ जाना यहाँ पे भले ही।
पता नहीं कहाँ गिराती है लड़की मेरे को आज। ये कैसा शॉर्टकट है, हमारा शॉर्टकट है, शॉर्टकट तुम्हारा खोपड़ा। चलो कुछ खाए खाए, ऊपर कैंटीन में चलता बात। सुबह से अब निक्की खाना खिला रही है कैंटीन में अपने। यार मैंने ना तेरे साथ है। बहुत बुरा करा इसने भैया, तो रोज करती मेरे साथ है। चुप हो जा, भगवान के दया नाम पे मिल गया अब खाने के लिए। शी इज माई सब्सक्राइबर, कहाँ गई है, छुप रही है। तो मैं बार बार मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बच्ची कितनी अच्छी है, स्माइल कर रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। मुझे मैं तो कुछ और सोच सोच के हंसने भी लगी हुई थी। थैंक यू यार हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे जूनियर्स में मतलब मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हॉस्टल में जाएंगे आज। कितने सिंसियर हो गई हूँ, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं पहली पहली बार मतलब ऐसे रहने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिल जा रहे हैं जो कि हमारी वीडियो देखे उस कॉलेज में आए थे। और एक और लड़का मिला था मुझे, मैं बैक साइड खड़ी थी और मैं डर गई। मतलब मुझे लगा कि कोई पता नहीं कौन होगा वो, तो मतलब काफी लंबा, हाइट अच्छी थी उस लड़के की। गुड मॉर्निंग उसकी आवाज भी वैसे, और मैं डर गई। मैंने कहा यार ओह गॉड ये क्या बोल रहा है मुझे। फिर मैंने कहा अच्छा, मेरे को ये तो बच्चा है यार, ओके। पर नहीं अच्छा लगा काफी यहाँ मतलब आके। तो लटक झटक के हम पहुंची गए हैं गेस्ट हाउस में। हे भगवान जी, आज निक्की, आज तो मुझे ऐसी फीलिंग आई निक्की ने क्या करी, पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने ही करी है। अपने साथ साथ ऐसे घुमाया इन्होंने मुझे मिठाई बांटने के लिए, इनका मिठाई सब ऐसे घूमते हैं। तो हे भगवान जी, अच्छा कल ना यहाँ पे बैठा हुआ था वो, पता है ऐसे इधर को मुंह करके लंगूर। अच्छा। आज भी आ रखे हैं पीछे। चलो जल्दी से चलते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं उसके बाद। निक्की के नए दोस्त भी आ गए। क्यों ये हमारे, पता मैं सोच रही थी क्यों मिल पाए। और आज मैं स्मिता को याद ही कर रही थी, मैंने कहा स्मिता नहीं आई। कैसे हो आप, हम तीनों आए। और इनको तो बढ़िया वाला बेड मिला है यार, तीन ये वाला। तो निक्की लोगों के जो नए दोस्त हैं वो भी आ गए। मैं याद ही कर रही थी उसको, मतलब जो निक्की की रूम पार्टनर थी उसको, कि स्मिता नहीं आई करके, और वो आई गई आज। और जो इस वाले रूम पे थे ये तो चले गए आज। तो मतलब अच्छा लगता था कि साथ साथ हैं करके, मतलब ना तो अच्छा लग रहा था। तो आज ये चले गए तो सोना लग रहा है इस साइड पे, इस कमरे में। बट दूसरी साइड जो है उस साइड आ गए। तो जब हम यहाँ पे गए थे कपड़ा लेने गए, तो मतलब वो कोने में है ना वो रूम, तो मैंने सोचा क्योंकि वहां से लंगूर भी आते, मैंने सोचा लंगूर आ गया। उन्होंने आवाज करी अंदर से, मतलब वो बंदी था वहां पे ना, लॉक लगा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने आवाज करी अंदर से और निक्की ने भी करी, मैंने सोचा लंगूर आ गया, मैं भाग रही थी। फिर निक्की ने देखा, अरे इसके अंदर तो मेरे दोस्त आ गया करके। तो अभी चले गए हैं वो लोग और हमको भी जाना है अभी हॉस्टल। तो ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर।